हेलो दोस्तों, कि आप अपने घर में बिजली बचाने के लिए एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा 1.5 से 2 साल के बीच एलईडी बल्ब ख़राब हो जाता है, तो आप इधर उधर फेंक देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पुराने एलईडी को चालू कैसा करते हैं, रिपेयर कैसा करते हैं, और घर बैठे वो भी आप फ्री में कर सकते हो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। ये पुराना एलईडी है, क्रोमटन कंपनी का, और यह 7 वाट का है। एलईडी बल्ब डेट जाने के बाद ही बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। एलईडी बल्ब के ऊपर का कवर हम निकाल लेंगे। हम इसे होल्डर में चेक कर लेंगे, होल्डर में कनेक्शन है क्या पहले चेक कर लेंगे। होल्डर चालू है। अब हम इस एलईडी बल्ब को निकाल के बंद वाला एलईडी इस होल्डर में चेक कर लेंगे, इस होल्डर में लगा देंगे। ये बंद है। इस बल्ब को निकाल के चालू होल्डर लगा के बताता हूँ मैं आपको, कि आपको लगेगा कि ये मैंने बंद कर दिया हूँ, स्विच ऑफ कर दिया हूँ। ये बल्ब बंद है। एलईडी बल्ब का जो जॉइंट है वहाँ पर आपको स्क्रू ड्राइवर से या फिर कैसे भी आप यहाँ पर इस जगह पर हल्के हाथ से एलईडी बल्ब के ऊपर मार सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से मारना है, उसकी जो ऊपर का वाइट वाला कवर है वो इस तरह निकल जाएगा। इसके अंदर 12 एलईडी है। पूरे 12 एलईडी हम चेक कर लेंगे एक एक करके। छोटा वायर का टुकड़ा लेना है। हम बल्ब को होल्डर में लगाएंगे और चालू इसमें चेक कर लेंगे। हमने जो वायर लिया है वो बहुत मोटा है करके हमने सामने से उसको लुक मार दिया है। आपको वायर बारीकी लेना है। अब हम एक एक एलईडी चेक कर लेंगे। माइनस प्लस पे चेक लगाना है। एक साइड में माइनस आता है और एक साइड में प्लस आता है। इससे पता चल जाता है एलईडी कौन सा ख़राब है। बट आपको चेक करना है तो सेफ्टी के साथ ही चेक कीजिएगा, नहीं तो आप हमारा वीडियो देखेंगे और डायरेक्ट ही चेक करना चालू कर देंगे। एक एक एलईडी चेक कर रहे हैं। ये एलईडी इसका ख़राब है। एक ही एलईडी इसका ख़राब है, इसीलिए ये एलईडी बल्ब बंद हो गया था। इसका ये एलईडी ख़राब है। हम इसे निकाल के फेंक देंगे या आप इसे बदल भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे मिल जाएगा। हम इसे बदलेंगे नहीं, हम इसे निकाल के फेंक देंगे और इसे हम डाग मार देंगे आयरन से। आम भाषा में, आम लैंग्वेज में इसे कहिया भी कह सकते हैं आप, कहिया। हम इसे आयरन से माइनस प्लस जोड़ देंगे, फिर हम एलईडी चालू कर देंगे। एलईडी निकाल के आयरन से डाग मार देना है। हमने एलईडी निकाल के फेंक दिए। अब डबल हम इसको होल्डर में लगा के चेक कर लेंगे। डायरेक्ट वायर से माइनस प्लस शॉर्ट करते हैं। ये ओके है। हम इसको डाग मार देंगे। कतिल की भी जरूरत पड़ेगी हमें। कतिल और आयरन दोनों को इस जगह पर लगाना है, मिला देना है। कतिल को माइनस प्लस एक कर देना है। दाग अच्छी तरह से हमने मार दिए। अब ऊपर की कैप को फिट करना है और उसे ताकत से पुश कर देना है।
इसकी जो राउंड रहती है उसके में खचका है, वो प्रेस करते से वो फिट हो जाता है। हमने इसे फिट कर लिया है, अब होल्डर में लगा के इसे चेक कर लेंगे। वैसे तो ये चालू हो गया, ये कैप इतनी फिट हो गई है कि अब इसे आप इसे घुमाएंगे भी तो ये घूमेंगे नहीं। ये देखिए, चलो हम इसे चेक कर लेते हैं, ये चालू हो गया। तो इसी तरह रिपेयर करना है एलईडी बल्ब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होंगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।